नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झाबा लाइव। मैं हूं पिटोल संवाददाता भूपेंद्र सिंह नायक। जैसा कि लॉकडाउन 2 का भी आज चल रहा है और आज उसमें लॉकडाउन पे अभी तक का पूरा 1 महीना पूरा हो गया है और मैं अभी हूं मध्य प्रदेश गुजरात की बाउंड्री खंगेला में, जहाँ एक इंटीग्रेटेड संयुक्त चौक पोस्ट लगा है मध्य प्रदेश पुलिस और गुजरात पुलिस का। वहाँ पर आज भी कई प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों के हैं, कहीं यूपी के हैं, कहीं मध्य प्रदेश के हैं, वो आज भी पैदल पैदल यहाँ तक पहुँचे हैं। अब विडम्बना यह है कि इतने 1 महीने के लॉकडाउन के बाद भी न सरकार इनकी सुन रही है और ना ही प्रशासन या दोनों राज्य की सरकारें नहीं सुन रही हैं। अब ये लोग कहीं पैदल चल रहे हैं, कोई साइकिल से चल रहे हैं, कहीं इनको प्रशासन मध्य प्रदेश की बाउंड्री में घुसते हैं तो वापस गुजरात की बाउंड्री में छोड़ दिया जाता है और इनकी फजीहत इस प्रकार हो रही है कि ना ये खाने के इनके पास व्यवस्थाएं बन रही है ना पीने की। वर्तमान में हमने दाहोद के DYSP बैंकर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि ये लोग जहां से आए हैं वापस इनको उसी स्थान पे छोड़ दिया जाएगा, लॉकडाउन के बाद ही इनको इनके घर दिया जाएगा। हम इनसे बात करते हैं कि भैया आप क्या क्या समस्याएं हैं। व्यवस्था में सिर्फ गुजरात सरकार ने एक ही चीज निकाला है जो कि खिचड़ी, अभी 1 महीने बीत चुका है, खिचड़ी ही चलता है। अभी पूरे 2 महीने लॉकडाउन रहेगा जो कि लॉकडाउन में चावल और खिचड़ी चलता ही रहेगा 5 महीने का या 2 महीने का। आप कहाँ से हो? मैं गुजरात से हूँ। मैं आप रहने वाले कहाँ के हो? यूपी जौनपुर। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। तो आप वहाँ से पैदल आ रहे हैं या? मैं पैदल आ रहा हूँ गुजरात से। कौन सी जगह से आ रहे हैं? अहमदाबाद साड़न इलाका। तो क्या आपको वहाँ भोजन व्यवस्था गुजरात गवर्नमेंट ने नहीं दी क्या है? 1 महीने से खिचड़ी और चावल चल रहा है, अभी आगे क्या होगा? खिचड़ी चावल चलता रहेगा। मैं सरकार से यही चाहते हैं कि अपने स्थान पर उपस्थित पहुंच जाए यूपी। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर हमारा नाम रामकेवल प्रजापति है, हम आजमगढ़ से आते हैं। आजमगढ़ यूपी से आते हैं? आजमगढ़ ग्राम सभा वहाँ से आते हैं। सर जी यहाँ लगभग 22 तारीख से जब से लॉकडाउन लगा तब से ना खाने का ना रहने का, जो भी पैसा जेब में था उसमें प्रशासन ने हफ्ता लेके दुकान वाले से हफ्ता ले लिया है। या क्या किया दुकान वाले? 40 हफ्ता लिया, मतलब रिश्वत ली है ऐसा लगता है ना। 40 का पटाखा बेच रहे, 50 का पटाखा बेच रहे, वहाँ कितना पैसा रखेंगे जेब में खाएंगे? इसलिए हम लोग सोचे कि अपना साइकिल लेके निकल जाते अपने गाँव, जो पैसा बचा 1000-2000 वो पैसा जेब में रहेगा तो अपने बच्चों को तो कम से कम खिला सकेंगे। यहाँ रहने से हम अकेले 4000-5000 खा के क्या करेंगे? और एक एक रूम में 8-8 लोग हैं, 8x10 का रूम है, उसमें 8-8 लोग, हम सोशल डिस्टेंसिंग भी बना नहीं सकते। किसी को बुखार पकड़ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम अपने गांव में ही निकल जाएं। अभी अपने साइकिल से, अपने साइकिल से, अपने साधन से इसलिए हम निकले थे, अभी यहाँ तक आए। यहाँ हमें गुजरात प्रशासन ने कहीं रोका नहीं, हमें यहाँ तक आने दिया गया। अब यहाँ से हम जब झबुआ MP में घुस रहे हैं तो MP प्रशासन ने हमको उठा के ला के गुजरात में डाल, दाहोद में डाल दे रहा है। अगर यही काम हमें वहाँ से रोका गया होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। अभी आप देखो हमारे पैर की क्या हालत हुई, कितना फूल गया, छाले पड़ गए, इतना इतना फूल गया पैर, इतना इतना छाले पड़ गए, पूरा कट गया है। यहाँ से चलते चलते आ रहे हैं। आप यही हमारी मजबूरी है, हम प्रशासन से चाहते हैं हमको कोई साधन कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमको पर सिर्फ अपने गाँव भेज दे बस। पर यूपी के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी वे लोगों को लेने के लिए कोटा, बच्चों को लेने के लिए उन्होंने बसें भेजी है, तो आप मुख्यमंत्री जी योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा, जो बड़े लोगों के बच्चे थे उनको तो आप इतनी फैसिलिटी दी, उनको घर तक पहुँचा दिए, उनके माँ बाप उनके हमदर्दी थे, और हम लोग गरीब आदमी जो मजदूर हैं, जो मजदूर आदमी हैं, मजदूर तो इतना ऐसा कि जो पूरे भारत की मजदूर ही हिस्ट्री बना हुआ है, पूरा मजदूर ही, आधा से ज़्यादा मजदूर ही अपना खून पसीना बहाता है तो भारत की ऐसी इतना नाम होता है। ये सरकार की संवेदनाएँ मर गई है, बड़े बड़े लोगों को प्लेन से लाया जा रहा है, कोटा से बच्चों को बसों से ले जाया जा रहा है, तो इन लोगों की ये व्यथा है और इस व्यथा के साथ ही बड़ी संवेदनाएँ सरकारों की मर गई है, प्रशासन की मर गई है। इन लोगों का कहना है कि हम जहाँ हैं हमें पैदल दिए जाने दिया जाए, हमें हमारी साइकिल से जाने दिया जाए, पर हमें घर तक जाने दिया जाए ये नहीं जाने।
परंतु शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों की मजबूरी है कि बिना पास के बिना उसके इनको नहीं जाने दिया जाएगा, ये जहाँ है वहीं वापस पहुँचाएंगे, इनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। पर ये गरीब बेचारे पैदल चल रहे हैं, इनके पैरों में छाले हो गए हैं, अब जाए तो जाए कहाँ। आप देखते रहिए छबल है।